हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, रात की बात कुछ ऐसी है, मैं ना कुछ ज़्यादा ही थक गया था। मुझे नहीं पता लगा, बॉडी को पता नहीं लगा कि मैं ज़्यादा थक गया था। मैं जैसे ही नहा के बेड पे लेटा इधर, तो भाई बस सुबह ही आँख खुली है मेरी। उसके बाद मैंने कहा कि यार क्या किया जाए, तो स्टोरी आपको आज बता दूंगा। मैं अभी बस खाना खाने के लिए निकल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल रहा हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद आता हूँ, फिर आपको यहाँ पे बैठ के स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद आज हमने जाना है शनिवारवाड़ा। आपने मूवीज़ देखी होगी, बजरा मस्तानी, उसमें आपने देखा होगा शनिवारवाड़ा। एग्जैक्ट यहाँ पे सेम टू सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। वो रियल जो शनिवारवाड़ा है ना, वो बना हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं देखने वाली, जैसे जैसे मुझे पता लगता रहेगा, थोड़ी सर्च करूंगा, उसके बाद हम वहाँ पे भी चलेंगे देखने के लिए। फिलहाल तो आप यहाँ पे देख लो, ग्रीनरी है, बढ़िया लग रहा है। पुणे वीडियो लगा रखी है शेयरिंग के लिए, आप ये वीडियो देख लेना, लाइक शेयर कमेंट कर देना, कैसा है कैसा नहीं है मेरे को बता देना, ठीक है? और रात के लिए सच में सॉरी यार, मैं सो मतलब सच 2 दिन से मैं ढंग से सोया नहीं था, और सो गया ऐसा मुझे खुद को नहीं पता लगा यार, मैं उठूँ ना उठूँ, उठने का दिल ही नहीं किया, मतलब होश ही नहीं थी यार। सुबह ही आँख खुली है फिर मेरी। तो चलो अभी खाना खाने के लिए निकलता हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए। हेलो बॉस, कैसे हो? कैसे हो यार? रूम मेरा क्लीन बाद में कर देना, मैं जाऊँगा ना यहाँ शनिवारवाड़ा, यहीं भी है ना पास में, बस ब्रेकफास्ट करके आता हूँ फिर जाऊँगा, फिर करते हैं, ठीक है सर? थैंक यू। अपना लिफ्ट इस साइड ही है ना? उस साइड है, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, कल भी कंफ्यूज हो गया था। थैंक यू सर। यहाँ से बढ़िया है यार, ये मेरे ख्याल से बसेस का चार्जिंग पॉइंट है। हाँ, बसेस चार्ज हो रही है ना, देखो आगे 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 लिफ्ट आई, कोई तो आई, ये आई। हमने जाना है एम पे, ऊपर जाने के लिए कार्ड की जरूरत होती है, नीचे आने के लिए नहीं होती है भाई। पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट में, इनका रेस्टोरेंट है ये वाला, और मुझे लग रहा है आज भी मैं अकेला ही होऊंगा। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट हैं, काफ़ी बंदे हैं भाई। अपना ब्रेकफास्ट है अब रेडी, नाव बैठते हैं, फ्रूट ले लिए हैं, और सैंडविच है, पराठा और बोंडे बोंडे पड़े हैं, और पोहा एज़ यूजल बेस्ट। खाता हूँ उसके बाद निकलता हूँ ऊपर, ठीक है? खाना वगैरह हो गया मेरा डन, अभी चलता हूँ। थैंक यू मैम। तो उसके बाद अब चलता हूँ आपको बताने के लिए स्टोरी भीमा शंकर की। 7th फ्लोर, ओके। पूरा गंद डाला हुआ मैंने रूम में ना यार, इतना हंस नहस किया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ पहले ना रूम क्लीन ही करवा लूँ, है ना? नहीं तो मैं सोच रहा हूँ ये एंगल में बनाऊंगा ना, तभी तो बातचीत बनेगी, नहीं तो तेरा कितना गंदा आएगा। तो भाई यहाँ पे कर दिया मैंने सेट, अब यहाँ पे आपको स्टोरी बता देता हूँ पूरी पूरी जो भी है, फुल स्टोरी। रूम वगैरह सेट करवा दिया, तो अब थोड़ा पीछे फ्रेम भी अच्छा आ रहा होगा ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं स्टोरी भीमा शंकर की। तो भीमा शंकर की स्टोरी कुछ ऐसे है। तो एक समय की बात है, एक राक्षस था जो हमेशा धर्म का विध्वंस करता था, विध्वंस को मतलब धर्म को खराब करता, जो भगवान का नाम लेता उसका नाश करता था। तो वो जो राक्षस था वो रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, कर्कटी का बेटा, कर्कटी का बेटा था, उसका नाम था भीम। तो जो भीम था वो अपनी माता के साथ एक पर्वत पे रहता था, उसकी माता और भीम दोनों ही रहते थे उस साथ में। और एक दिन उस भीम ने अपनी माता से पूछा, जो सबको दुख देता था, उसने अपनी माता से पूछा, माता मेरे पिताजी कहाँ हैं और तुम अकेली क्यों रहती हो, मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं वो। तो कर्कटी ने कहा कि बेटा, महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तुम्हारे पिता थे, और उस माँ बलि के सहित तुम्हारे भाई को राम ने मार डाला। और कर्कटी ने बोला, मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था, तो अपने स्वामी के मारे जाने के बाद मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। तो एक बार मेरे माता पिता मुनि अगस्त्य के शिष्य सुदीक्षण को आहार बनाने के लिए गए, मतलब कि उसको खाने के लिए गए, शिकार करने के लिए गए थे उसका। और सुदीक्षण बहुत तपस्वी और महात्मा थे, उन्होंने मेरे माता पिता को श्राप से भस्म कर डाला। कह रहे वो दोनों मर गए, और उन दोनों के मरने के बाद बहुत दुख के साथ मैं इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई सहारा नहीं रह गया था, मैं बस बहुत दुखी थी, इसलिए बस मैं अकेली ही अपना जीवन
स्पेंड करती थी, अकेली ही रहती थी। तो करकटी ने बोला भीम से कि तुम भी अपने पिता के समान बहुत ही ज़्यादा बलशाली हो, बहुत पराक्रमी हो, तो मैं अब तो तुम्हारे सहारे से ही इस पर्वत में रहती हूँ, अपना समय व्यतीत करती हूँ। ये सब सुनकर भीम को क्रोध आ गया बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्से में आ गया और वो उसी समय विचार करने लग गया। भीम सोच मतलब बहुत गुस्से में सोचने लग गया कि मैं भगवान विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं कि उन्होंने राम रूप में आकर मेरे पिताजी को मार डाला और उनके भाई को भी मार डाला और मेरे जो नाना नानी थे वो भी उनके भक्त के हाथों मारे गए थे। तो वो बिल्कुल गुस्से में था, बहुत गुस्से में सोच रहा था और बस उसने अंदर ही अंदर प्रण ले लिया कि मैं अगर अपने पिता का पुत्र हूँ तो मैं भगवान विष्णु को ज़रूर ही पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय किया उसने भीम ने और वो महान तप करने के लिए चला गया। तो भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, 1000 वर्षों तक उनको खुश करने के लिए 1000 वर्षों तक तप किया, पूरा बहुत महान तप किया और तपस्या के साथ वो मनी मन अपने इष्ट देव का भी ध्यान किया करता था। उसके तप से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे बोले और ब्रह्मा जी ने बोला कि भीम मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम उसके अकॉर्डिंग अपना वर मांगो, मतलब उसके अनुसार अपना वर मांगो। तो भीम ने ब्रह्मा जी को बोला कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी शक्ति की तुलना कहीं ना हो, मुझे ऐसा बल दे दीजिए, ऐसी शक्ति हो मेरे अंदर। ऐसा कहकर उसने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसको ये वर देकर अपने धाम को चले गए। और ब्रह्मा जी से ये वर पाकर राक्षस अपने घर आया और घर आते ही अपनी माता को प्रणाम किया और शीघ्रता से बड़े गर्वपूर्वक अपनी माता को बोला कि माता अब तुम मेरा बल देखना, इंद्र आदि देवताओं को, देवी देवताओं को तो छोड़ो, जो उनकी हेल्प करते हैं भगवान विष्णु, उनका भी मैं संहार कर डालूंगा। ऐसी बुद्धि खराब हुई थी इसकी। और ये कहकर वो अपनी माता को चला गया और जैसे समय बीतता गया वो देवी देवता को जीतता गया, उसने इंद्र को भी जीत लिया, उसने सारे देवी देवताओं को जीत कर उनके स्थान से बाहर कर दिया, मतलब जहाँ पे वो रहते थे उनके स्थान से बाहर निकाल दिया, इतना ज़्यादा बलशाली हो गया था ये भीम। फिर उसके बाद ना उसने बहुत प्रसन्नतापूर्वक उसने पृथ्वी को जीतना स्टार्ट किया। सबसे पहले वो काम के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया और उस राजा के साथ उस भीम का भयंकर युद्ध हुआ और भीम ने उनकी सेना को हरा दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। ब्रह्मा जी के दिए वरदान के कारण उसने सुदक्षिण को भी परास्त कर दिया और सुदक्षिण भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। सुदक्षिण जी का सारा राज्यपाट अपने अधिकार में ले लिया, उधर के राजा को सुदक्षिण को बेड़ियों में डाल दिया, एक जेल में कैद कर दिया। भीम ने राजा को बिल्कुल एकांत में बंद किया, भी अकेले को सजा दी गई, बिल्कुल सलाखों के अंदर पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। तो वहाँ पे उस राजा ने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और उनकी तपस्या शुरू कर दी, भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। फिर उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके फिर उन्होंने पार्थिव विधि के पूजन से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके फिर उसके बाद वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे और अब उन्हें कैद में इस समय के अलावा कोई टाइम ही नहीं मिलता था, बस वो जप ही करते रहते थे भगवान शिव का। उन दिनों उनकी अर्धांगिनी जो उनकी वाइफ थी दक्षिणा, वे भी पार्थिव पूजन किया करती थी। अब वे दोनों दंपति थे जो हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह पे भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते थे और इधर ही वो राक्षस भीम जितने धर्म होते थे, जो यज्ञ करते थे ऋषि मुनि, सबको भंग करने लगा, जाके मारने लगा, सबको तबाह कर देता था सब कुछ और सबसे कहने लगा कि तुम सब कुछ मुझे ही दो। और यहाँ पे जो कैद के अंदर राजा थे उन्होंने भगवान शिव का ध्यान लगाना शुरू कर दिया और इतने में ही किसी ने जाकर भीम को बोल दिया कि तेरे को मारने का प्लान कर रहे हैं वो अंदर बैठ के, कुछ ना कुछ गेम चल रही है अंदर। तो वो पागल हो गया, वो और ज़्यादा गुस्से में आके सीधा जेल में आ गया। तो जैसे ही भीम जेल में आया, नंगी तलवार उसके हाथ में थी और बस वो मार नहीं आया था अब तो कि आज मैं मार डालूंगा। और उसने जैसे ही देखा कि यहाँ पे एक पार्थिव कुछ शिवलिंग पड़ा है और वो आराधना कर रहे हैं, तो उसको लगा कि ये मेरे मारने के लिए कुछ ना कुछ विधि कर रहा है। और भीम तो पहले ही गुस्से में था, उसने तलवार को राजा के गले पे रखा और बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो राजा डरा है नहीं, उन्होंने साफ साफ बिल्कुल निर्भय होकर बोला कि मैं भगवान शिव की स्तुति कर रहा हूँ, उन्हीं की स्तुति कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये है तेरे भगवान, तू मेरी स्तुति कर।
तो उन्होंने जैसे ऐसे बोल के तलवार को शिवलिंग के ऊपर रखा और अटैक करने लगा शिवलिंग पे। जैसे ही अटैक करने लगा वहीं से शिवजी जी प्रकट हुए एकदम से, और शिवजी प्रकट होते ही उस भीम को बोले, मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, आज मैं अपने इस भक्त की रक्षा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और इतना बोलते ही शिवजी ने अपने पिनाक्ष से, पिनाक्ष मतलब उनका जो धनुष था, धनुष से बाण छोड़ा और उसकी जो तलवार थी उसको तोड़ दिया। तो उसके बाद शंकर जी और भीम में ऐसा युद्ध हुआ कि सारा जगत भयभीत हो उठा। और इतने में फटाफट वहाँ पे नारद मुनि आए और शिव जी को बोले कि हे प्रभु, क्षमा करे क्षमा करे, एक तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, आप शीघ्र अति शीघ्र इसका संहार कीजिए और समस्त संसार को भय मुक्त कीजिए। और नारद मुनि के ऐसा कहते ही शिव जी ने हुंकार मात्र से उस राक्षस को ख़त्म कर डाला, उधर ही विनाश कर दिया उसका। और जो इंद्र आदि थे, देवी देवता थे, उनको उसको भस्म देख के शांति मिली। समस्त ऋषि मुनियों ने और देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमेशा लोगों को सुख देने के लिए यहाँ पे निवास करें, आपका दर्शन करने से, सिर्फ एक दर्शन मात्र से सबका कल्याण होगा, आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे, और आपका ये ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और दुखों का निवारण करने वाला होगा। इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर वहीं स्थित हो गए। इस तरह उनका नाम पड़ा भीमाशंकर, उन्होंने भीम का संहार किया था। तो चलो आज की स्टोरी आपको समझ आ गई होगी भीमाशंकर की, और मेरा सेवंथ ज्योतिर्लिंग है वो कंप्लीट हो गया मेरे अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ उस अकॉर्डिंग सेवंथ ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया। भीमाशंकर की स्टोरी ये थी। तो अब मैं निकलता हूँ आगे के लिए, जैसा भी जो भी प्लान होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो चलते हैं आगे। बाहर का मौसम देखो भाई, क्या हो रखा है यार। तो भाई बस फोन से मैं एक वीडियो डाल रहा था अपने लैपटॉप में, एक फाइल थी लैपटॉप में डाल रहा था, भाई पता नहीं क्या हो गया लैपटॉप को, उसमें जा ही नहीं रही है। अब मैं सोच रहा हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट की दिक्कत है, एक घंटा हो गया मेरे को मत्था मारते हुए उसमें जा ही नहीं रही है, फिर मैंने अब सॉफ्टवेयर अपडेटिंग पे डाला है। तो चलो अपडेट पे डाल दिया, अब मैं निकलता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ शनिवार वाड़ा नहीं जाता, अब मैं चलता हूँ इस्कॉन में, यहाँ पे इस्कॉन भी है, बहुत बढ़िया इस्कॉन है, वहाँ पे चल के दर्शन करते हैं और आरती करके वापस आएंगे रात को। शनिवार वाड़ा चलेंगे कल, वैसे आज का प्लान था लेकिन कल चलेंगे शनिवार वाड़ा। और यहाँ पे एक और इस्कॉन है अपने होटल के पास ही है, तो वहाँ पे इवनिंग में चल जाएंगे क्योंकि कल शाम की तो अपनी ट्रेन है, ठीक है? तो शनिवार वाड़ा मैं आपको कल दिखाता हूँ, फिलहाल मैं निकलता हूँ इस्कॉन के लिए। चलो भाई निकलते हैं। अब मैं हो गया हूँ ऑलरेडी लेट, अभी बचता पीछे दिमाग हो गया। ओके लिफ्ट इधर है ना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ भाई, हमेशा दिमाग से निकल जाता है। थैंक यू भाई, थैंक यू, मैं जी ब्लॉग बना रहा हूँ। उबर मैंने बुक कर दी है, उबर बस आ ही रही है। घर वाले पता मेरे को क्या बोलते हैं, कह रहे भाई सनस्क्रीन लगा के निकला कर, सनस्क्रीन लगा ले। अब उनको क्या बताऊं, मुझे धूप से फर्क नहीं पड़ता, अब धूप आ रही है जा रही है कुछ नहीं फर्क पड़ता। चलो लेकिन वैसे अभी शाम हो गई है यार, मैं ज्यादा मत था ना, मैंने लैपटॉप में मार लिया, कोई बात नहीं, इस्कॉन पहुंच जाए, बहुत बढ़िया इस्कॉन है, दर्शन करवाता हूँ आपको चल के, ठीक है? मेरे को फोन भी आएगा अभी ड्राइवर का, जीरो ही है, बाहर आ गया होगा भाई। मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ लेकिन भाई साहब अभी नहीं आए, पिछली रोड पे है, मैं बाहर ही चलता हूँ, यहाँ तो भाई आएगा ही नहीं। वो नंबर क्या है, 05। अभी इधर लाइटें यहाँ पे खड़ी हुई है, वही दिखा रहा है मेरे को, यहीं पे खड़ी हुई है, अभी घूम के आएगी यहीं पे वापस। 4074 गाड़ी का नंबर है, चलते हैं। एक बात और पता लग गई भाई, जितनी लंबी वीडियो बनाओ ना इस पर आईफोन में, ये ना शिफ्ट नहीं होती यार, मैंने ट्राई किया मैक में करने का, हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही, रात को मत्था मारता हूँ, दो घंटे लग गए उसमें करते करते। आ जा भाई 4074 शेयर पिन बताओ, उसने ओके भी कर दिया भाई, ओके भी कर दिया कि मैं पहुँच गया, ये सही किया भाई ने, मतलब अभी दूर है वो। आगे आ जा भाई, आगे आ जा आगे, ओके गोडिट लिख रहा है, मैं हाथ भी मार रहा हूँ इसको, अभी ओके गोडिट लिखा वो राधा के सामने, ठीक है? वहां पे खड़ा था वो मैं हाथ मारी जा रहा हूँ, आ ही नहीं रहा है भाई। आ जा भाई, ओ भाई
हाँ इधर 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 इधर, ये आरती निकल जाएगी आज मेरी। ओ भाई साहब बताओ यार, मैं हाथ मारी जा रहा था आपको। चलो भाई चलो भाई चलो, आपने उधर से ओके कर दिया था, लाइटों पे खड़े थे आप, उधर से ओके कर दिया था, पहुंच मैं देख ही जा रहा था आपको, मैंने हाथ मारा, मैंने कहा भाई मुड़ लेंगे। लेकिन चलो चलो भाई, हमने जाना है इस्कॉन टेम्पल। यार मैं तो मतलब ये सोच रहा था कि मैंने कहा चलो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन अभी भी आधे रास्ते पहुंचे, अभी 35 मिनट का रास्ता और दिखा रहा है, और जाम के कारण दिखा रहा है ये। हाँ आरती तो निकल जाएगी भाई अपनी, लेकिन कोई बात नहीं। चलो भाई का भी चैनल था यूट्यूब पे 600 सब्सक्राइबर के साथ भाई का, अब लेकिन लंका लग गई। तभी भाई ने आते ही मेरे से पूछा, करे कमा रहे हो गए? मैं कहा बहुत भाई बहुत, लेकिन ये नहीं बताता यार। देखो आपको तो अब नॉलेज होगी इस चीज़ की कि जो यूट्यूबर होता है ना यार, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है लाइफ। अगर डेली ब्लॉगिंग कर रहा तो और भी खतरनाक। अब मैं देखो भैया, 2 दिन से मतलब मैं सफ़र ही कर रहा था, मैं ट्रेन में सफ़र किया मैंने, फिर रात को एडिटिंग किया, फिर मेरे 4 बजे एडिटिंग खत्म हुई थी, 5 बजे उतरना था मेरे को यहाँ पे पूना में। 5 बजे उतरते ही मैं 5:30 बजे बस स्टैंड पहुँचा ऑटो लेके, 5:30 बजे के बाद मैं सीधा गया भीमाशंकर। भीमाशंकर में देखो टाइम लगता है, 2-2.5 घंटे लगते हैं जाने में टैक्सी करके। तो वहाँ पे गया बस टैक्सी में, मतलब उतना सोया जितना सोया, वही दूसरी वाली टैक्सी जिसमें 3-4 बंदे होते हैं, मतलब 3 मेरे साथ थे, 1 आगे था, 2 पीछे थे। तो बस सिर लगता लगता जो 1-1.5 घंटा सोया सोया, उसके बाद वहाँ पे घूमा, फिर आते हुए फिर भाई वही सर जो लगता हुआ आया, नींद नहीं पूरी। फिर मेरे आने के बाद एडिटिंग, मतलब मैं करना चाह रहा था कि एडिटिंग भाई कर लूँ, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं नहा के बस लेटा ही था बेड पे, मुझे पता ही नहीं लगा मैं सुबह ही उठाऊँ। फिर भाई इतना जाम लगा हुआ है यहाँ पे, तो हमने गाड़ी घुमा ली, एक और बंदा घुमा रहा भाई, इतना जाम लगा हुआ है, देखो अंधेरा होने वाला हो गया यार। पूना में यार सच में बहुत जाम लगता है ना, जहाँ से हम घूम के ऐसे शॉर्टकट मार रही सोच रहे थे, वहीं फिर फंस गए भाई। निकाल लो, अब तो कोई और रोड नहीं है, और भाई भी आज पहली बार आए हैं ड्राइविंग करने के लिए, भाई कह रहे मेरे को भी रोड पता नहीं है। भाई यार बहुत, मतलब आप गाड़ी चलाते चलाते थक गए, मैं बैठ के थक गया। देखना जाम देखो यार, ये सारा यहाँ तक, और हमारी गाड़ी को आने कौन देगा आगे, मच हुई है लोगों में। देखो यहाँ से निकाल के लेके जा रहे हैं, और हमें जगह मिल गई, हम तो फंसा लेंगे ना। बंदा बोल रहा है भाई ज़्यादा पीछे, मैं नहीं 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 पंगा मत लेना पीछे करके, आवाज़ आएगी। भाई कह रहा पीछे कर ले, भाई पीछे कहाँ कर ले, नहीं नहीं भाई बिल्कुल पीछे मत करना। यार आज का दिन ना खतरनाक ही निकला, स्टार्टिंग में लैपटॉप ने धोखा दे दिया, अब रोड ने धोखा दे दिया, अच्छा तो फंसा दिया। लो भाई यहाँ से भी भाई आराम से निकले, और देखा गड़ाइयाँ मार रहे बाहर, सही है भाई। वो देखो वहाँ पे लड़ाई होगी, कहाँ आ रहे हो तुम? हाँ मैं तो इधर से आ रहा था, फिर गलत है ना, उधर से आना चाहिए था, इधर से क्यों आए? इधर से आया नहीं है, रोड खाली थी। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, कलोर लगा ऐसे चिपका दे बिल्कुल भाई साहब, कह रहा आ जाओ आ जाओ पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ आ जाओ भाई, आवाज ना दे, मैंने तभी रिकॉर्ड में रखा भाई, आवाज ना दे। फिर लगी है ना पीछे, लगी ना, ये देख भाई, ये अपनी गाड़ी छोड़ के हमारी गाड़ी पीछे करवाने के लिए आया था, अपनी भी कर ले, अपनी तो हमसे आगे, बोनट देखना उसका कितनी आगे, बता यार वाह यार बहुत वेले बंदे हैं भाई। देखिए यार अपनी गाड़ी छोड़ के हमारी गाड़ी लगवाने आया था आज, तो यार ऐसे ही निकलेगा मेरे को लग रहा सारा दिन, सारी रात रहा निकल जाए यहाँ पे। हल्की सी टच की वो देख, वो कह रहा है निकलने दो, वहां सब निकल रहा था, हम ही रुके हुए हैं। हाँ हाँ निकलो निकलो भाई निकलो निकलो, अरे अंकल हमें निकलने दो, आ गया अच्छा निकलने दो ना यार, क्या कर रहा लगा भैया तू, रोको ना तेरे आगे आगे, अब ये लाइन भोकला आएगा तो वो लाइन को जाएगा ना, तू भी जा जाओ ठीक है, भोकला ना मेरा मूड देखो, खड़ा हो थोड़ा सही करो ना इसको, थोड़ा क्या आएगा मालूम है, ये रोड चालू होएगा ना, इसको रोको, वो रोड जाएगा, इसको रोको अगर इसको रोक लो, हमें तो निकलने दो, निकल बताओ वो गाड़ी चली गई हमसे पीछे थी, वाली गाड़ी चली गई आगे, तो मेरे को सच में ऐसा लग रहा है गाड़ी में ना सजा मिली मेरे को, हो रही आगे हो रही है। भाई को तो निकलना था, भाई कह रहा बस लास्ट राइड करके निकलता हूँ, लो करवा लो लास्ट राइड, इधर गाड़ियाँ इधर, मेरे को दर्शन होने के बाद आरती होने के बाद अल्टर क्लोज हो जाएगा, मैं तब जाऊँगा। लो भाई हो गया जाम क्लियर, अभी भी 20 मिनट दिखा रहा है यहाँ से भी, अभी 20 मिनट ही दिखा रहा है ना, नहीं 19 हो गए 19, हाँ बस खींचो भाई खींचो थोड़ी खींचो फिर यार भाई अभी देखो आसमान से गिरे खजूर पे अटके आगे जाम। भाई कह रहा मेरे तो गोडे ना चेंज करवाने पड़ जाए भाई, कह रहा क्लच दबा बुरा हाल हो गया, ओ यार सूजन आए भाई बुरा हाल हो गया यार सच में।
देखो जब लास्ट मैंने आपको बताया था कितना 20 मिनट 19 मिनट, अब 14 मिनट पे गेम अड़ी हुई है। चलो भाई पहुंच गए यहीं पे है ना, आगे आगे तो कर लो भाई, बस दर्शन ना मंदो, 8 बजने वाले हैं। मैं तो इससे जल्दी तो मैं भीमा शंकर पहुंच गया था, 2 घंटे लगे हैं यहाँ पहुंचने में सिर्फ ट्रैफिक के कारण। चलो भाई ठीक है भाई, अब पहुँचा हूँ मैं। गेट इस्कॉन का किस साइड है ये देखना पड़ेगा भाई। भाई ये इस्कॉन का गेट किस साइड है, इस्कॉन मंदिर का मेन गेट, इस्कॉन मंदिर का गेट कहाँ पे है? आगे जाओ ना, सीधा सीधा जाओ, कितनी दूर है? ठीक है ठीक है भाई, कह रहे सीधा दिखेगा, कह रहे सीधा जाओ ना, सीधा मंदिर दिखेगा सीधा सीधा। मैं कहा चलो भाई चलते हैं अंदर आगे। बोरा यार 8 बज रहे वाले हैं, अभी बज गया, वैसे 8:30 बजे ऑल्टर क्लोज होता है। बोरा मैं निकला पता कैसे था, कि चलो दर्शन कर लूँगा, आरती अटेंड कर लूँगा, 2 घंटे लग गए हैं, लेकिन लगा दो चलो लगा दो यार। मैं तो वैसे ये उंगली से लगा लेता हूँ, इस्कॉन में सही है भाई, बाहर इस्कॉन में तिलक लगाने के लिए खड़े होते हैं, मैंने कहा ये तो मैं खुद ही लगा लूँगा। भाई पहुँच गया इस्कॉन, शूज़ कहाँ पे उतारने, चप्पल मतलब आगे आगे उतारने, यहाँ पे तो भाई पूरी चेकिंग चुकिंग होती है, फिर आना पड़ता है अंदर। देखो कालिया नाक का मंथन कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री है, ये शू हाउस है, यहाँ से एंट्री है। चल रहे हैं भाई ऊपर, ओए अल्ट्रा क्लोज ओपन होगा अभी, यहाँ से जाऊँ, यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ा जाऊँ पीछे से, अच्छा पीछे से, कह रहे नीचे से बालाजी का मंदिर है, अभी तो भाई भोग लग रहा होगा तो इसलिए अभी अल्ट्रा क्लोज है। बहुत बड़ा हॉल है यार, और यहाँ पे ये देखना ना सही लग रहा है। बालाजी का दर्शन करने चलते हैं, वो कह रहे 8:15 बजे बंद हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट ही हैं अपने पास। प्रभु जी जो बालाजी का टेंपल है वो कहाँ पे है? अच्छा यहाँ से जाऊँ ना, वो रहा भाई, वो रहा वो रहा वो रहा, रहा, रहा। बालाजी दर्शन आगे से लेफ्ट, ये इस्कॉन, ये बालाजी का टेंपल इस्कॉन के बीच में ही है। तो चलो परिक्रमा करके अंदर चलते हैं, कीर्तन कर लेते हैं। ऑल्टर क्लोज हो गए, देखो ऑल्टर हो गए क्लोज, जाओ प्रभु जी मिलते, प्रभु जी से बात कर रहे थे, प्रभु जी वहीं पे थे बालाजी के टाइम बैठे जब कर रहे थे, चलो प्रभु जी बात कर लेते हैं। नहीं 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 प्रभु जी भगवान भी सेंटर है, प्रभु जी भगवान, हाँ बिल्कुल कीर्तन आप अंदर आओगे, चलो हम भी बैठते हैं। जय हो प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय हो। अरे हॉल भी बड़ा जबरदस्त है, कीर्तन हो रहा है, हम तो आगे जाके बैठेंगे, अप्पा चलते हैं आगे, आगे आगे बैठते हैं, करताल अगर बजाने के लिए मिलेगी तो बजा लेंगे, मैंने कुछ मिलेगा बजाने के लिए तो बजा लेंगे। Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
जाए 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 मेरे ना माइक उतार दिया इसमें से क्योंकि गर्म हो गया ना ये बंद हो रहा था। जाए जगन हाँ जाए जाए जगन्नाथ चलो भाई कीर्तन करते हैं हरे हरे राम दर्शन हो गया डन। अब निकलते हैं हम। यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है इनका। प्रभु जी ने मुझे बोला प्रभु जी कह रहे यहीं पे रुक जाते हैं आप आके। मैंने कहा मुझे इतना पता नहीं ना, फर्स्ट टाइम तो आया हूँ मैं पूना के इस्कॉन में, मुझे पता ही नहीं था। अब कल जाना है, अगर दो तीन दिन और होता ना मैं तो रुक जाता यहाँ पे स्टे कर लेते। मैंने तो ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, बस बैठ गया था क्योंकि मैं पहले बनाई। ये रिसीवर के कारण शायद गर्म हो जाता है फोन ज़्यादा। भाई ये गोविंदा था कितना बड़ा। खाओ रज के जो खाना यहाँ पे खाओ, लेकिन फिर अपना होटल में मैंने किया हुआ है आज का, तो वहाँ का वेस्ट हो जाएगा। और मेरे होटल से ना भाई बहुत दूर है ये, मतलब ये दूसरी साइड आ जाता है। वहाँ पे भी किस कौन है घर के पास में, वो कल चलेंगे वहाँ पे, मतलब घर मतलब होटल के पास में कल चलेंगे वहाँ पे। भाई यहाँ से ना अपा ने कर लिया टैक्सी, मेरे को पता नहीं है इधर जाना है या उधर जाना है। मैंने टैक्सी कर लिया, टैक्सी आ रही है 3 मिनट में आ रही है। और मेरे ख्याल से यहाँ से ना 2 घंटा भाई 1.5 घंटे का रास्ता है, यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है। आएगा भाई देखते हैं, अब चलते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई इतना ज़्यादा वो है ना, भीड़ बहुत है इधर इस एरिया में, मेट्रो सिटी है ना, बहुत भीड़ रहेगा। आ रहा है बंदा उधर से निकल के आएगा इधर को, यहाँ पे आके तो लैंग्वेज का भी उड़ा आड़ा हिल गया मेरा। लेकिन भाई कुछ भी बोलो मज़ा बहुत आया कीर्तन करने में। मैंने आधा घंटा कीर्तन किया, करताल बजाई ज़बरदस्त, अच्छा लगा। और पिछले 10 मिनट से भाई ऑटो वहीं पे खड़ा हुआ है अपना, आ नहीं रहा। थोड़ी सी ऑटो नहीं सॉरी टैक्सी वहीं पे खड़ी, अभी आ रही है, थोड़ी क्लोज आई है। मुझे तो ये भी नहीं पता लग रहा कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी। मैं खड़ा यहाँ पे हूँ, ए अच्छा यहाँ पे देख रहा हूँ, ये इधर है, उस साइड है भाई, सामने उधर है।
उधर से इधर से घूम के आएगी, इधर से इसी साइड आएगी मेरी आने वाली है। भाई यही है, भाई यही है, भाई यही है, खोल दे भाई। बाहर ही खड़े रखने का इरादा था क्या, खोल ही नहीं रहे थे भाई, बहुत टाइम लग गया यार। अच्छा यू टर्न क्या भाई, जाम ही बहुत है यार, ऐसे बोलो ना यार, ट्रैफिक बहुत रहता है यहाँ पे ना। तो भाई ये रहा स्टेशन, ये स्टेशन है ना, हाँ यहीं से मुझे मिलेगी ट्रेन, हाँ यहीं से ट्रेन मिलेगी अपने को, और अपना होटल यहीं पे है। अब तो आप मेरे को होटल के पास ही उतार देना, क्योंकि यहाँ से तो होटल ही नज़दीक पहले आएगा। चलो भाई पहुँचे, देखो आते हुए कितनी जल्दी पहुँचा मैं, आधे घंटे में पहुँच गया, जाते हुए 2.25 घंटे लग गए थे मुझे, हाँ क्योंकि रोड खाली हो जाती। सही बात है, लेकिन भाई खाने को कुछ नहीं मिलता ना, अब डिनर मिल जाएगा, 10:45 बजे पहुँचा अभी मैं। यार सनस्क्रीन लेनी है यार, घर वाले भी बोल दुखी हो गए, सनस्क्रीन ले ले। चलो ले लेते हैं एक सनस्क्रीन। चलो भाई मैंने ना दुकान के सामने रोक लिया था, होटल तो पीछे है, मैंने कहा यहाँ से ना एक सनस्क्रीन ले ली जाए यार। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, वो रहा पुणे के मिस्ट, हिंदी में लिखा हुआ है। ओ भाई पूछने आया था भाई से, लेकिन गेम बनी नहीं है, जो अपने को चाहिए वो है नहीं भाई, कह रहा कल तक मंगा दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तब तक तो मैं रूम में ऑर्डर करवा लूँगा। देखो पीछे यही वाला है ना चार्जिंग पॉइंट है, ये बसों का चार्जिंग पॉइंट है ना, बसें जाती हैं। अब भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे को जाने दे पहले, भाग भाग के चलते हैं भाई अंदर। क्या हाँ भाई आप भी आ जाओगे, लो ले लो ले लो, ठीक है भाई। बीच में ऐसे कह रहे हमें भी ले लो, मैं कहा भाई आ जाओ तुम भी आ जाओ, ये अपना होटल है। अब सीधा खाने पे अटैक करेंगे, भूख लग रही है भाई बहुत, सीधा खाने पे टूटेंगे अब। हाँ इनको बोल के पूछ के जाता हूँ एक बार ना कि बैग रख लोगे कल मेरा। सर मेरा ना कल चेकआउट है 12 बजे, और मैं थोड़ा मेरी ट्रेन लेट है, तो मैं बैग रख के जा सकता हूँ ना, ऐसा हो सकता है? कर लोगे ना? हो जाएगा, तो बैग यहाँ पे रख दूँगा, क्योंकि वैसे 12 बजे चेकआउट है मेरा, तो यहाँ पे बैग रख के निकल जाऊँगा मैं, मतलब रख तो सुबह ही दूँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा। आँख मेरे साथ मजाक है। अबे चल यार, ये एक तो कार्ड के बिना ना चलता नहीं है यार, ले अब चल चल, अब दे दी तेरे को रोटी मैंने, चलता ही नहीं जब तक मुंह में कुछ डाल लो ना इसके। लो भाई इसको बोलेंगे, ला फिर आ गए यार, हाथ धोने, मैंने हाथ तो धोए नहीं यार, शिट देना आज तो भाई भरा पड़ा है फुल अंदर तक भाई, मैंने कहा हाथ तो मैंने धोए नहीं, कह रहे बिहाइंड, अच्छा उधर से भी रास्ता था, मैं इधर से आ गया। ये रहा भाई, ये रहा, ये रहा है, और देखो तिलक लगा हुआ है ना, हल्का हल्का सा दिख रहा होगा भाई। खाने के लिए बैठ गया इनका ना, 11 बजे तक ही होता है, अभी 10:15 हुए हैं, खा के फिर चलते हैं रूम में, एडिटिंग वगैरह करनी है वो करता हूँ यार। अब जो एक फाइल आनी रही थी ना वो 37 मिनट की थी, उसको देखता हूँ क्या हल करना है, क्योंकि टाइम लग रहा है आने में, एयर ड्रॉप ही नहीं हो रहा भाई। एक ना मैंने ऑर्डर की है क्रीम, वो आ गई, मैं खाना खाने बैठा था, इतने वो आ ही गया क्रीम लेके, तो मैंने कहा वो लेने चलता हूँ। चलो आ गया भाई लेके, थैंक यू भाई। अबे रुक जा, खाना खाते खाते उतर खुल गया खुल गया। अबे यार इसके लिए फिर इसके मुंह में देना पड़ेगा, ये ले भाई ले। पता मैं खाना ऐसे कैसे ही छोड़ के आ गया था, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, एज इट इज़ रखी हुई है, बाहर आ गया जाना पड़ा जल्दी। बिरे आई ड्रिंक 3 मैंगो दे गिलास, अब हम चलते हैं। एक भाई है यहाँ पे, उसको हिंदी आती नहीं है, वो भाई मिजोरम से है। मैं कहा भाई मेरे लिए तो बहुत औखा है, तू ना आइए मेरे पास, चलते हैं भाई फिर। चलो लेट्स मूव गोइंग टू होम। भाई आपको हिंदी नहीं आती? ये बंदा भाई हिंदी सीखो, मैं तो आपको बोलता ही नहीं, फिर कुछ बताओ, तभी आप आए ना मेरे पास, मैंने बोला नहीं कुछ, मैंने उनको बुलाया, मेरे लिए वेरी डिफिकल्ट यू नो, बड़ा औखा। आ गया रूम, तो चलो भाई अब ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम भी देखो 2:30 बज गए भाई, इसलिए बोलता हूँ मैं डेली ब्लॉगिंग ना बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार, मेरा चैनल मोनेटाइज बिल्कुल नहीं हुआ अभी तक, और वॉच आवर्स और भी कम होने लगे हैं, तो जितना हो सकता है यार शेयर किया करो,
सब्सक्राइब करवाया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। आज की जो आपको स्टोरी मैंने बताई भीमा शंकर की, वो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और मैं लगा हूँ यार अपनी मेहनत करने के लिए, बाकी फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी देखते हैं जो होगा। और कल मैं निकलूँगा पर्ली के लिए शाम को, कल सुबह आपको शनिवार वाड़ा और इस्कॉन के दर्शन करवाऊँगा जो अभी पास ही है। आज मैं दूर वाले इस्कॉन में गया था, कल पास वाले मैं करवा दूँगा। तो यार जितना हो सकता है सपोर्ट दिखाया करो अपनी यार, जितना हो सकता है सपोर्ट किया करो। बाकी यार ऊपर वाले के हाथ में, जो करना है आप अपना कर्म करते रहो, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल वो दे देंगे अपने आप। ठीक है, मैं हट नहीं रहा हूँ, लगा हूँ बिल्कुल तरीके से करना है, लगा हूँ अपना। और इस तरह यार अपने होते हैं 7 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट। मुझे बहुत खुशी है कि 12 में से 7 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं। और ये ऐसे नहीं हो सकते यार, आदेश के बिना ना कुछ नहीं हो सकता, उनका परमिशन है कहीं ना कहीं, तभी ये पूरा हो रहा है, वरना नहीं हो सकते थे कंप्लीट। तो चलो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं बार बार बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, अभी करते रहना SDV साहिब दीक्षित व्लॉग्स को, जितना हो सकता है फैलाओ, शेयर करवाओ और सब्सक्राइब करवाओ। जितना आप मेरी वीडियो ज़्यादा देखोगे, मतलब स्किप करके नहीं, जितनी ज़्यादा देखोगे उतनी जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तो बस मैं यही बोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हाथ पकड़ के नहीं करवा सकता। तो प्लीज़ अगर सपोर्ट करोगे तो अच्छी बात है, कमेंट जरूर कर दिया करो, वो मेरे लिए बहुत एक मोटिवेशन होता है। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइबर भी कोई आता है तो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होती है। तो चलो ज़्यादा नहीं बातें करते हुए, ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहना, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्ण भाई, बच गए 3-3:30 बजे तक सोऊंगा, क्योंकि इसको शेयरिंग पे भी लगाना है और सुबह वही जल्दी उठ जाऊंगा 8-9 बजे, क्योंकि नहा धो के खाना खा के फिर निकलना है। बस डेली का रूटीन भाई ऐसा ही है, 4-5 घंटे नींद आती है, पता नहीं लगता।